हेलो स्टूडेंट, आज ट्रिगोनोमेट्री का क्लास लेकर के आए हैं। क्वाड्रेंट चैप्टर का जहां हम लोग थे उसमें हम बताए थे उस दिन लाइज इन क्वाड्रेंट। आज भी बताने जा रहे हैं लाइज इन क्वाड्रेंट, लेकिन उस दिन बताए थे लाइज इन क्वाड्रेंट में डिग्री के आगे प्लस लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए 900 डिग्री है तो 900 डिग्री के आगे क्या है? प्लस। आज बताने जा रहे हैं 900 डिग्री के आगे माइनस हो जाएगा तब किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इधर हेडिंग दे दिया लाइज इन क्वाड्रेंट। आपको बताए थे कि जब भी एंगल मेजरमेंट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं, तो ये आपको बता दें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल काउंट होगा, अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव एंगल काउंट होगा। मतलब अगर पॉजिटिव एंगल आपको दिया रहे लाइज करने के लिए तो आप ऐसे बढ़ेंगे एंटी क्लॉक वाइज। अगर आपको बोल दिया कि निगेटिव है तो ऐसे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज में। बात समझ में आ गया? तो अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का ही, असाइनमेंट का, मतलब बुक जो दिए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, उसका टाइप 7 बुक होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं है तो हम पीडीएफ फाइल बहुत को भेजे हैं, जिनको मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला है बताएंगे भेज देंगे। अब आइए, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा -812 डिग्री पूछ रहा है कहां लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, अभी निगेटिव को बाद में बताते हैं, पहले अगर पॉजिटिव 812 डिग्री रहता तो क्या करते। तो आपको बताए थे हम कि कोई भी अगर डिग्री दिया हुआ, कोई भी अगर मतलब लाइज इन क्वाड्रेंट निकालना हो तो आप उसको 90 डिग्री से हमेशा डिवाइड कर दीजिए। तो आइए 90 से डिवाइड किया 812 को तो 9 से आएगा 810, सब्ट्रैक्ट करिए मिलेगा 2 डिग्री। तो आप 812 को लिख सकते हैं 9 इंटू 90 प्लस कितना 2। अब 9 तो 9, 90 के जगह पर पाई बाई 2 प्लस 2 डिग्री। अब क्या करेंगे सो सुनिए, क्वाड्रेंट ड्रॉ करिए और पाई बाई 2 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो यहां से चूंकि इसके आगे प्लस है तो ऐसे डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे हम लोग। तो चलिए बोलिए 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2 यहां पहुंच गए। अब इसके बाद 2 डिग्री ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ेगा बताए थे। तो बताइए किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अब किस बच्चा के मन में होगा सर 9 है तो आप घुमा लिए, 19 रहता तो क्या करते। तो सुपर फास्ट बताए हुए हैं कि एक बार घुमा दिए तो 4, हिला दिए तो फिर 4, हिला दिए तो फिर 4। चलिए अब बात हो गया, अगर -812 रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए माइनस रहने दीजिए और इस 812 डिग्री को ऐसे ही लिख लीजिए 9π/2 प्लस 2 डिग्री, 9π/2 प्लस 2 डिग्री। अब इसको मेजरमेंट करिए आप, तो मेजरमेंट में आप देखिए पाई बाई 2 कितने टाइम्स हो रहा है, 9 टाइम्स। तो बस यही ध्यान दीजिए, निगेटिव है तो हम लोग अप जाने के जगह पर डाउन जाएंगे ऐसे। तो बोलिए 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2 यहां पहुंचे। अब इस 9π/2 के बाद जुट रहा है 2 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? यानी पॉजिटिव रहेगा हम लोग तो चलेंगे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव रहेगा तो चलेंगे इस डायरेक्शन में। अब हम बताने आपको जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन अपने मन से ले लेते हैं, आपसे कोई पूछा +30° -30° लाइज इन क्वाड्रेंट क्या करेंगे। तो सिंपल, +30° बोला तो आप ऐसे मूव करिए यहां से, तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। -30° बोला तो आप यहां से डाउन होंगे, इसका मतलब लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? अब इसी का अगला टाइप बताते हैं हम, जिसका हेडिंग है
स्टार पॉइंट देकर के हम डबल स्टार पॉइंट में बता रहे हैं, इफ डिवीजन ऑफ पाई, डिवीजन ऑफ पाई देन चेंज, यहां पर स्टार पॉइंट में हम लिख रहे हैं इफ नॉट डिवीजन ऑफ पाई देन नॉट चेंज। अब आपके मन में होगा गुरुजी क्या लिखा है, डिवीजन तो नॉट डिवीजन, नॉट डिवीजन यहां डिवीजन, ये सब क्या है, क्या चेंज क्या नॉट चेंज, तो आइए बताते हैं। डिवीजन ऑफ पाई का मतलब हुआ जैसे पाई बाई टू हो जाए, थ्री पाई बाई टू हो, फाइव पाई बाई टू हो, ये सब आ जाएगा किसमें, डिवीजन ऑफ पाई में। और नॉट डिवीजन ऑफ पाई का मतलब हुआ टू पाई हो, थ्री पाई हो, फोर पाई हो, नाइन पाई हो, डैश डैश डैश, ये सब आ जाएगा किसमें, बोलिए, नॉट डिवीजन में। तो अब आपके मन में होगा कि सर पाई बाई टू अगर डिवीजन में आ गया तो क्या पाई बाई सिक्स भी डिवीजन में आएगा, तो नहीं, यहां पर डिवीजन का मीन्स है टू से डिवाइड करना, किसे, टू से। अब एक और यहां पर एक पॉइंट बनता है, क्या फोर पाई बाई टू डिवीजन कहलाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसको जो आप डिवीजन पढ़ रहे हैं ये क्या है, आपसे हम पूछेंगे क्या लिखा हुआ है। रोड पर कोई ऐसा आदमी से पूछे जो कचरा चुनता है, कहने में उसको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, पूछेंगे क्या लिखा हुआ है, तो वो जानते हैं क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये तो फोर बाई टू है। लेकिन जब आपसे पूछेंगे यू नो मैथमेटिक्स क्या है, तो आप मैथमेटिक्स के नजर से देखिएगा, बोलेगा सर ये तो टू टू है। तो जब आप इसको टू देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप इसको टू पाई देख रहे हैं, इसका मतलब नॉट डिवीजन ऑफ पाई, क्लियर, यानी ऐसे समझिए यहां अगर ऑड रहेगा तो नहीं कटेगा तो डिवीजन ऑफ पाई हो गया, अगर इवन है तो कट जाएगा, इसलिए नॉट डिवीजन ऑफ पाई हो गया। ये तो क्लियर हो गया आपको डिवीजन नॉट डिवीजन। अब क्या बात है भाई इसमें चेंज का चक्कर, चेंज मतलब अगर प्रॉब्लम साइन में हो तो कॉस में बदल जाएगा, और दोनों से एरो देने का मतलब हो गया कॉस में रहेगा तो साइन में बदल जाएगा, टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। यहां पर नॉट डिवीजन ऑफ पाई मतलब नॉट चेंज, मतलब साइन किस में, आवाज दीजिए, साइन में, कॉस किस में, कॉस में ही, टेन किस में, टेन में ही, सेक किस में, सेक में ही, कॉसेक किस में, कॉसेक में ही, ओके, मतलब डैश डैश डैश, मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम यहां पर एक बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैंने यहां ले लिया थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, एक एंगल लिए, अब एक एंगल से हमको बताना है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर दिए ब्रैकेट, अब कॉमा दे दिए, कॉमा मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे दे दिए, चाहे छोड़िए ना लिख देते हैं थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ऐसे ऐसे कर दिए, इसका मतलब सब में आ गया थ्री पाई बाई टू थीटा। फाइनल ये हुआ कि साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहां ड्रॉ कर लीजिए क्वाड्रेंट, ये चेक करिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पाई बाई टू कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स, यहां से मेजरमेंट करिए, बोलिए एक पाई बाई टू, दो पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, यहां पहुंचे, और थ्री पाई बाई टू के बाद थीटा जुट रहा है, बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप यहां लिख दीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात ये रहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट हम बताए थे किसका घर होता है, कॉस और सेक का, और अपने घर पर पॉजिटिव के साथ होता है, यानी कॉस के आगे प्लस
सेक के आगे प्लस, बाकी सब के आगे माइनस, ये सब बता चुके हैं आपको। अब यहां नया सिर्फ यही है कि पाई का डिवीजन है या नहीं है, तो यहां पर चलिए थ्री पाई बाई टू वाला सब बता दिए हैं कि पाई का डिवीजन है, तो लिखा हुआ है चेंज, साइन बदलेगा कॉस में, तो साइन है तो आप कर दीजिए कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, सेक है तो देखिए सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, कॉसेक, कॉसेक किस में, सेक में, कॉट किस में, टेन में। चूंकि यहां एंगल थीटा है तो सब में ले लीजिए थीटा 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 थीटा। अगर यहां थीटा की जगह थर्टी नहीं रहता तो आप लिखते कॉस थर्टी माइनस कॉस थर्टी, यहां भी लिखते साइन थर्टी, ऐसे। अब सेवन पाई बाई टू माइनस थीटा, सेवन पाई बाई टू माइनस थीटा में हमको बताना है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, अब सेवन पाई बाई टू के बाद जो है ले लेते हैं हम नाइन पाई प्लस थीटा, फिर ले लेते हैं एट पाई माइनस थीटा, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, यहां पर साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब देखिए जरा सा भाई, बक्सा बक्सा बक्सा, यहां बराबर 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 बराबर। अब आइए, सबसे पहले बताए थे कि ये पता लगाइए किस पॉइंट में लाइक कर रहा है, ये क्वाड्रेंट का फोटो खींच लिए, पाई बाई टू सेवन टाइम्स है, यहां से काउंट करिए वन पाई बाई टू, थ्री टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फोर पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सिक्स पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, यहां पहुंचा, जुटता तो आगे बढ़ता, घट रहा है तो इसी में, यानी पता चल गया ये कहां लाई कर रहा है, बोलिए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड में किसका घर है, टेन का, यानी टेन के आगे प्लस, कॉट के आगे प्लस, बाकी सब के आगे माइनस। अब पाई का डिवीजन है तो बदल जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, सेक किस में, कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में, कॉट किस में, टेन में। अब फिर एंगल थीटा है यहां पर, तो बोलिएगा थीटा 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 थीटा। अब चलते हैं इसमें नाइन पाई प्लस थीटा, तो यहां सुपर फास्ट भी बताए थे, यहां से हम लोग लेते हैं एक पाई, यहां दो पाई, ये तीन पाई, ये चार पाई, ये नाइन पाई, तो नाइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई किया, थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन क्या होगा, पॉजिटिव, यहां लिख दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब हो गया आपका नेगेटिव। पाई का डिवीजन है नहीं, तो साइन किस में, साइन में, कॉस किस में, कॉस में, टेन किस में, टेन में, सेक किस में, सेक में, कॉसेक किस में, कॉसेक में, कॉट किस में, कॉट की कॉट में, और फिर लिखेंगे थीटा 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 थीटा। अब एट पाई माइनस थीटा, तो 8 पाई माइनस थीटा में क्या चक्कर है, फिर करेंगे लाइज इन क्वाड्रेंट, तो यहां से बोलिए एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई, तो आठ पाई यही होगा, जुटता तो आगे बढ़ता, घट रहा है तो उसी में, यानी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में
आप क्या करेंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो सेक के आगे प्लस, कॉस के आगे प्लस, बाकी सब के आगे माइनस। पाई का डिवीजन नहीं है तो बताइए चेंज नहीं होगा, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, कॉट कॉट में, बोले थीटा 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 थीटा। क्लियर हो गया? तो पता क्या चला कि इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह आपको जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन वगैरह में, डिफरेंशिएशन में, यही चीज बच्चे क्या करते हैं, बच्चा इसको याद करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा याद नहीं करता है, टेक्निक से निकालता है। जैसे कोई आपसे पूछेगा डिफरेंशिएशन में ही जाएंगे तो वहां पर ऐसे पूछेगा कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो बच्चा याद किए रहता है कॉस थीटा, मेरा बच्चा याद नहीं करता है, आंख बंद करता है, ऐसे आंख बंद किया और दिमाग में घुमा लिया कि पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू ऐसे गया, माइनस थीटा है, फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा तो फर्स्ट में साइन क्या होगा बोलिए, पॉजिटिव होगा, तो प्लस लगा दिया, बोला पाई का डिविजन है तो साइन बदलेगा कॉस में और बोल दिया कॉस थीटा। इससे रटना नहीं पड़ा, नहीं तो बाजार में रटते रटते परेशान हो जाएंगे आप, कभी मैथमेटिक्स पर पकड़ नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया? अब हम क्या बताने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, ये पाई के फॉर्म में था तो आप बता दीजिए, अगर डिग्री के फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे आप, तो आइए अभी जस्ट बताने जा रहे हैं, डिग्री के फॉर्म में होगा तब भी आप निकाल सकते हैं। आइए डिग्री के फॉर्म, जैसे 1395 आपसे पूछा गया कि बताइए क्या मान होगा इसमें सबका, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक कॉसेक कॉट। अब हम एक और ले लेते हैं 330 डिग्री, इसमें साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, एक और ले लेते हैं 750 डिग्री, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब बक्सा 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 बराबर 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 बराबर, यहां भी आइए बक्सा 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 बराबर 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 बराबर, यहां आइए बक्सा 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 बराबर 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 बराबर। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, आप इस डिग्री को कन्वर्ट करिए पाई के फॉर्म में जो पहले करते थे, यानी 1395 डिग्री को आप डिवाइड कर दीजिए 90 से, तो 90 into 1 90 मिल गया 49 यानी 495, 5 से लेंगे 450, बच कितना गया 45, यानी 1395 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1395 डिग्री को 15 × 90 यानी 15 × 90 + 45, तो फिर 90 मतलब पाई बाई टू प्लस 45। क्लियर हो गया? ये क्या माइंड में आया सो बताइए, 15 π/2 + 45, तो यहां लिखिए 15 π/2 + 45। अब इस सब को मिटा लेते हैं, सिर्फ डिवीजन किए थे कैलकुलेशन के लिए, आप ये इसको कहीं पर रफ में भी कर सकते हैं, मेन आपको पाई में कन्वर्ट करना है, जो कर दिए कॉमा कर दीजिए। चलिए अब आइए इधर, पाई बाई टू कितना टाइम्स, 15 टाइम्स, यहां से लीजिए बोलिए 4π/2, हिला दिए 8, हिला दिए 12, हिला दिए 16, एक कम तो 15 यहां पर आ गया। अब यहां पर जब आ गया, अब बोलता है 45 जुट रहा है यानी आगे बढ़ेगा, तो यहां से आगे बढ़ा तो किस क्वाड्रेंट में लाई किया बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया लाइज इन क्वाड्रेंट? अब
जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया तो आप जानते हैं फोर्थ में कॉस पॉजिटिव तो कॉस के आगे प्लस, फिर यहां सेक के आगे प्लस, बाकी सब के आगे माइनस। अब पाई का डिवीजन है तो साइन बदला कॉस में, कॉस बदला साइन में, टेन बदला कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, कॉट बदलेगा टेन में। अब जो वहां थीटा था तब बोलते थे थीटा 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 थीटा, आज थीटा नहीं बोलेंगे, आज क्या है 45, तो बोलेंगे 45 45 45 45 45 45। अब आप क्या करेंगे वो हम छोड़ देते हैं, आपको करना है। जैसे सब का मान डाल देंगे, cos 45 जानते हैं 1/√2, तो यहां लिखेंगे 1/√2, आगे क्या लग गया माइनस, यानी ये हुआ फाइनली कि साइन 1395 डिग्री का मान फाइंड हो गया माइनस 1/√2। इसी टाइप से यहां भी जानते हैं आप साइन 45 1/√2 प्लस है तो प्लस, cot 45 1 माइनस है तो माइनस, कॉसेक 45 साइन का उल्टा है उल्टा दीजिए √2, सेक 45 पलट दीजिए √2, टेन 45 1, क्लियर हो गया। इस टाइप से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब आइए फिर 330 डिग्री में चलते हैं, तो 330 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से, 19 × 3 = 270 मिला, तो आप यहां लिख सकते हैं 3 × 90 मतलब π/2 प्लस क्या चीज 60। अब लीजिए π/2 कितना है, टाइम्स 3 टाइम्स 1π/2, 2π/2, 3π/2 प्लस 60, यहां भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी लाइक किया फोर्थ में, तो बताइए कॉस के आगे प्लस, सेक के आगे प्लस, बाकी सब के आगे माइनस। पाई का डिवीजन है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, कॉट बदलेगा टेन में। अब थीटा की जगह 60 60 60 60 60 60 60, या सब का मान डाल दीजिएगा, एक बार डाल के बता ही रहे हैं। फिर यहां 750 डिग्री में आइए, तो 750 डिग्री में अब आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां होगा 8 × π/2 प्लस 30, चेक भी कर लीजिए, π/2 मतलब 90 × 8 = 720, अब प्लस 30 750, लेकिन यहां पर बताए थे कट करेगा, तो ये क्या हो गया 4π प्लस 30। अब 4π ऐसे ड्रॉ करिए, 1π 2π 3π 4π प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 750 लाइक किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, पाई के डिवीजन नहीं है तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, कॉट कॉट में, और थीटा की जगह 30 30 30 30 30 30, सब का मान आप डाल दीजिए, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दो चीज बच गया, अब इससे सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम और दूसरा बच गया, अगर 1395 के आगे माइनस लगा रहेगा और तब पूछेगा साइन का मान बताइए कॉस का मान बताइए तो कैसे बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे, इसके आगे माइनस लगा रहा तब, और आपके बुक का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बनाने में मन भी लगेगा। ओके, वंदे मातरम।